रास्ते के विवाद ने ली जान, गोलीबारी में एक की मौत। आमतौरा गांव में दो पक्षों के बीच काफी समय से रास्ते को लेकर तनातनी चल रही थी। मंगलवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे शिवधनी निषाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गीडा पुलिस और क्षेत्राधिकारी सीओ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। कोई प्रशासन नहीं, शर्म आना चाहिए आप लोग को। मुर्दे बाबा जी, नहीं बाबा जी, क्या बताया कल हमने फोन किया था, एक घंटे के बाद पुलिस आ रही है। शासन नहीं तैयार होगा, गीडा थाना हटेगा। सब वीडियो है, एम्बुलेंस चाहिएगा। पुलिस वाले खुद मिले हैं, कह रहे हैं वीडियो नहीं बनाओ। एम्बुलेंस वाला खुद कह रहा है वीडियो मत बनाओ। ऐसे रिकॉर्डिंग दे रहे हैं अभी। गोलीकांड का घटनाक्रम क्या है सर? देखिए, आज जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र में 3 बजे के आसपास गोली चलने की एक सूचना मिली। ग्राम अमतौरा में इस सूचना के आधार पर जगह आकर के जानकारी की गई, तो ये जानकारी हुई कि कल रात में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। आज उसमें से जो चोटिल पक्ष है उसका मेडिकल होकर के जो वापस आए हैं, तो दूसरे पक्ष द्वारा ये शिवधनी निषाद जो हैं इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें इनको गोली लगी। इनको जब इलाज के लिए ले जाया गया तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। बॉडी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा और हमारे द्वारा किया गया है। इस घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद घटना की जो और डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी, जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई होगी और जो साक्ष्य हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहरीर पड़ गई है, देखिए तहरीर प्राप्त होते ही इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अधिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार जो मृतक के परिवारीजन हैं उनसे बात की जा रही है, उनसे घटना के संबंध में जानकारी की जा रही है, आसपास के लोगों से भी घटना की जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।